हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ टेक्निकल क्लासेस में। और आज अपन बात कर रहे हैं एफिशिएंसी ऑफ स्पाइरल गियर की। तो जैसे कि आपको पता होगा कि सबसे पहले स्पाइरल गियर होता क्या है आपका, ये नॉन इंटरसेक्टिंग और नॉन पैरेलल गियर होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी एक्सिस है वो आपकी कुछ इस तरीके से जाती है, इस तरीके से। कि अगर मैं बोलता हूँ कि जो नीचे वाला गियर है वो मेरा ड्राइवर गियर है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि वो ड्राइवर गियर, तो दूसरा वाला गियर कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा। जैसे आपके सामने मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है कि मैंने एक पहले गियर ले रखा है स्पाइरल गियर, क्योंकि इसको 3D में ही बना सकते हैं, यहाँ पे 2D में सिर्फ लाइन डायग्राम से ही शो कर सकते हैं। पर ये एफिशिएंसी का जो डेरिवेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इसलिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आए थे। तो यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले कि मैंने आपके सामने एक कॉमन नॉर्मल वाली लाइन खींची। जैसे आपने लॉ ऑफ गियरिंग वाला मेरा डेरिवेशन देखा होगा, उसके अंदर आपकी एक कॉमन नॉर्मल वाली लाइन जा रही होती है। यहाँ पे आपका जो फोर्स है वो आपका लाइन ऑफ एक्शन दिखा रहा है गियर वन का, और जो फोर्स टू है वो आपका लाइन ऑफ एक्शन दिखा रहा है गियर टू का। तो जो कॉमन नॉर्मल है आपकी, कॉमन नॉर्मल से जो फोर्स है आपका, उस तक का एंगल है आपका एल्फा वन। कितना एंगल है आपका? एल्फा वन। सेम टाइम कॉमन नॉर्मल से जो आपका फोर्स टू है, उस तक का एंगल है आपका एल्फा टू। दैट्स, अगर यहाँ पे आपको एक और चीज समझनी होगी कि आपका यहाँ पे दो, मतलब जो एफ वन है उसके मतलब दो फोर्सेस में वो डिवाइड होता है। एक तो आपका एक्सियल फोर्स से डिवाइड होता है, तो एक्सियल फोर्स आपका ये है, तो एक्सियल फोर्स कौन सा है आपका? एफ ए वन। इसी तरीके से इसका भी एक एक्सियल फोर्स है, वो क्या है आपका? एफ ए टू। सेम टाइम इसका जो एक नॉर्मल फोर्सेस है, क्योंकि वो आपको बताना पड़ेगा नॉर्मल फोर्स कौन सा है, क्योंकि जो कॉमन नॉर्मल से आपका पास कर रहा होगा वो आपका क्या है, नॉर्मल फोर्स की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे ये क्या है आपका, ये नॉर्मल फोर्स है, और ये भी इसका क्या होगा, इसके ये भी आपको कॉमन नॉर्मल फोर्स होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसका रिजल्टेंट पास होगा यहाँ पे, दैट्स द आर। सेम थिंग यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट होगा कॉमन नॉर्मल वाला, वो यहाँ पे आपका इसका रिजल्टेंट आएगा, ये आपका आर और ये आपका कॉमन नॉर्मल है इसका आर एन। और गाइज यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि फर्स्ट वन वाले जो फोर्स है उसके अंदर कॉमन नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा है, सेम टाइम सेकंड वाले में कॉमन नॉर्मल की वैल्यू कम है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्सेस, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसकी कॉमन नॉर्मल की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे बता रहा है कि आपका जो कॉमन नॉर्मल है उससे उसका रिजल्टेंट कितना लीड कर रहा है, फाइ। और यहाँ पे बता रहा है कि आपका कॉमन नॉर्मल वहां से कितना लैग कर रहा है, फाइ। तो आपको यहाँ पर कुछ चीज दिखाई देने को पड़ रही होगी, जैसे मैं आपको यहाँ पर शो करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं इस वाले एंगल को देखूं यहाँ पे कि पूरा एल्फा, ये फाइव तो ये मेरा कितना बचेगा आपका, एल्फा माइनस फाइव बचेगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को आप देखोगे, तो ये वाला जो एंगल आएगा मेरे पास वो कितना आएगा मेरा, एल्फा प्लस के फाइव। तो आपके पास यहाँ पे दो एंगल निकल के आ गए कि दिस इज द फर्स्ट वन एंगल फॉर द कॉम, ये आपका जो पास हो रहा है यहाँ से रिजल्टेंट, जहां से आपका एंगल पास हो रहा है रिजल्टेंट से, कॉमन नॉर्मल से रिजल्टेंट से, वो आपका एंगल कितना निकल के आ रहा है आपका, दिस इज अल्फा माइनस फाइव। और दूसरा कितना निकल के आ रहा है आपका, एल्फा प्लस के फाइव। बाकी सारे पैरामीटर मैं आपको बता चुका हूँ कि एफ वन क्या है, एफ टू क्या है मेरा, एफ ए वन क्या है एक्सियल फोर्स, एफ ए टू क्या है एक्सियल फोर्स टू, आर एन क्या है आपका नॉर्मल रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट, मतलब जो पॉइंट पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट से आपकी नॉर्मल रिएक्शन जा रही है वो क्या है आपकी, आर है, आर एन है। यहाँ पे क्या है आपके जो एंगल निकले हैं एल्फा और बीटा, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर मैं इस पॉइंट से उन दोनों एंगल को शो करने की कोशिश करता हूं, तो पहले तो मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेता हूँ। जैसे आपको दिखाई दे रही होगी कि अगर मैं इस लाइन को देखता हूं तो ये मेरा 90 डिग्री है, और ये मेरा पूरा एंगल कितना है एल्फा, तो ये कितना बचेगा मेरा, एल्फा माइनस सॉरी 90 माइनस एल्फा वन। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि इस लाइन के मैंने यहाँ पे इसमें परपेंडिकुलर खींचा, तो ये मेरा कितना निकल गया एल्फा वन। सिमिलरली अगर मैं इधर से लूंगा तो यहाँ से मेरा सेकंड वन एंगल आएगा यहाँ पे, वो आएगा आपका एल्फा टू। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया है कि जो एल्फा वन प्लस के एल्फा टू है वो मेरा थीटा है, क्या है यहाँ पे थीटा। तो लिख लीजिए हियर लेट थीटा इज इक्वल एल्फा वन प्लस के एल्फा टू। यहाँ पे हम यूज कर लेंगे कि एल्फा वन और एल्फा टू आपका थीटा की वैल्यू हमने ली है यहाँ पे। अब यहाँ पे आते हैं फटाफट से ट्राइंगल में आ जाते हैं, और ट्रायंगल में कुछ चीजें समझने की है तो वो बहुत जल्दी समझ लेते हैं अपन। जैसे मैं अगर बात करता हूँ आपके सामने कि जो मेरा एफ वन है यहाँ पे, एफ वन आपको दिखाई दे रहा है, तो एफ वन से एंगल यहाँ पे आर एन के लिए कितना एंगल, सॉरी यहाँ पे जो आर है ये आर, देखिए ये आपकी आर है, मैंने यहाँ पे शो कर रखी है
F1 है उसका जो R के लिए कंपोनेंट आ रहा है, कौन सा कंपोनेंट आ रहा है तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको कि अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दे देता हूँ ओ ए और बी लिख लीजिए, इसको सी लिख लीजिए, तो देख लीजिए इन ट्रायंगल ओ ए सी, अगर मैं इस ट्रायंगल ओ ए सी में बात करूँ तो आपके पास एंगल कितना है यहाँ पे, ये वाला एंगल एल्फा -5, तो यहाँ पे F1 का जो कंपोनेंट है, यहाँ पे जो कंपोनेंट दिखाई दे रहा है और इसका यहाँ पे इधर कंपोनेंट जाता है तो वो कौन सा आता है आपका, साइन वाला, तो कॉस वाला है, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डायरेक्ट कि F1 इज इक्वल आर कॉस एल्फा 1 -5, ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये कैसे आ गया, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो आर है वो उसका ये यहाँ पे रिजल्टेंट कंपोनेंट है और यहाँ से ये एंगल बना रहा है, F1 का कंपोनेंट इसके टर्म में आ रहा है, तो F1 का जो यहाँ से कंपोनेंट निकल गया है कितना निकल गया है, आर कॉस एल्फा 1 -5। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि यहां पर आपका जो इनपुट वर्क डन है, क्योंकि ये मेरा इनपुट गियर है, तो इनपुट वर्क डन कितना होगा, तो प्लीज बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, इनपुट वर्क डन की बात कर रहे हैं तो आपको था कि वर्क डन इज इक्वल क्या होता है आपका, वर्क डन इज इक्वल क्या होता है आपका, फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स कितना है आपका, F1 है फोर्स, तो F1 मैंने फोर्स लिख लिया, और वेलोसिटी क्या होगी, अगर मैं बोलता हूँ आपका कि जो स्पाइरल गियर है उसका डायमीटर D1 है और उसका जो RPM है वो N1 है, तो क्या होगा आपका, पाई D1 N1, 60 नहीं लिया तो ये आपका रेडियन पर सेकंड में आ गया है, तो ये वाली बात ध्यान रखना। इसके बाद F1 की वैल्यू मैंने लगाई R cos alpha 1 -5 into पाई D1 into N1, दैट्स इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे जो मैंने वैल्यू निकाली है वर्क डन की, और जो वर्क डन है वो मेरा कैसा वर्क डन है आपका, इनपुट वाला वर्क डन है, कैसा वर्क डन है मेरा, इनपुट वाला वर्क डन है, क्योंकि डेरिवेशन लंबा होने वाला है, तो प्लीज गाइज ये डायग्राम आपको पहले से बना रहना चाहिए, इसलिए मैंने सारी चीजें बना दी। सेम टाइम दूसरे अपन दूसरे वाले ट्राइंगल में आते हैं, दिख रहा होगा आपको कि ओ यहाँ पे सी डी हो गया तो डी ई ले लीजिए, तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल दिख रहा है, यहाँ पे एंगल कितना इसका एल्फा +5 दिख रहा है, यहाँ पे आपका F2 लगा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी देख लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैं ऐसे रख लेता हूँ, तो आपका जो फोर्स है F2 उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, कि F2 इज इक्वल आर कॉस एल्फा 2 +5, यहाँ से आपका निकल के आया, तो सेम टाइम आपको बताना पड़ेगा, वो तो इनपुट वर्क था आपके, आपको निकालना कि आउटपुट वर्क कितना होगा आपका, आउटपुट वर्क कितना होगा आपका गाइस, के फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो आपका फोर्स कितना है आपके पास F2, वेलोसिटी कितनी है आपकी πD2N2, πD2N2 है आपकी वेलोसिटी। तो अब इसके अंदर आपको गाइस एक चीज समझनी पड़ेगी बहुत अच्छे तरीके से, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपका वर्क डन आ गया, तो यहाँ पे F2 की वैल्यू दे रख लीजिए कि आर कॉस एल्फा 2 + k φ इंटू पाई D2N2, दैट्स इक्वेशन नंबर 2। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी और आपको फिर पता भी है कि हम जानते हैं कि वी नो दैट एफिशियंसी इज इक्वल क्या होता है आपका, एफिशियंसी इज इक्वल आउटपुट वर्क ओवर इनपुट वर्क, तो आउटपुट वर्क ओवर इनपुट वर्क हो गया, तो आउटपुट वर्क की वैल्यू कितनी है आप लिख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि आउटपुट वर्क मेरा निकल के आ रहा है आर कॉस एल्फा 2 + k φ इंटू πD2N2 ओवर आर कॉस एल्फा 1 + k φ इंटू πD1N1, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आर से आर कैंसिल आउट हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी एफिशिएंसी की एक वैल्यू निकल के आएगी, उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये फाइनल नहीं है पहली बात, तो यहाँ पे कितनी निकल गया आपकी कॉस एल्फा 2 + k φ इंटू D2N2 ओवर कॉस, देखिए यहाँ पे मिस्टेक लिखी मैंने, एल्फा -5 है यहाँ पे, एल्फा 1 - k φ इंटू D1N1, इसको लिख लीजिए। इसके बाद आपको कुछ चीजें ज्यादा जरूरी है समझने के लिए, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आपको जैसे पता होगा कि मैं बोलता हूं कि जो आपका स्पाइरल गियर है उसके अंदर जो इनपुट गियर है उसके लिए आपकी सर्कुलर पिच या फिर सर्कुलर पिच आपकी कितनी होगी, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आपकी सर्कुलर पिच कितनी होगी, तो देख लीजिए कितना होगा, फर्स्ट के लिए फॉर गियर वन, क्योंकि मुझे ये D2 और N2 की वैल्यू निकालनी है, ये सारी चीजें मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो
तो सर्कुलर पिच क्या होता है आपका, पी सी वन कितना आपका, पी सी वन इज इक्वल पाई डी वन पाई डी वन ओवर टी वन, ये आपको पता है। तो यहां से आपकी डी वन की वैल्यू क्या निकलेगी, प्लीज ध्यान से, डी वन इज इक्वल पी सी वन इंटू टी वन ओवर पाई। और आपको एक और चीज बता दूं कि जो सर्कुलर पिच होती है वो उसके और नॉर्मल नॉर्मल जो आपकी पिच होती है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है आपका, जैसे कि आपको पता ही होगा कि, और मैं आपको बता भी देता हूं, तो क्या होता है आपका कि पी सी वन इज इक्वल पी एन ओवर कॉस एल्फा वन, जो आपको नॉर्मल से एंगल बनता है वो। तो यहाँ पे आपको वैल्यू रखने, तो यहाँ से डी वन की वैल्यू क्या निकलेगी, डी वन इज इक्वल पी सी वन इंटू टी वन ओवर पाई, मैं यहाँ पे वैल्यू रख देता हूँ इसकी, क्या आएगा आपका पी एन ओवर कॉस एल्फा वन इंटू टी वन ओवर पाई, ये आई मेरी डी वन की वैल्यू आ गई यहाँ पे मेरी। आप सिमिलरली करके डी टू की वैल्यू लिख सकते हैं क्योंकि सेम वैल्यू आएगी। जैसे आपकी डी टू की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, पी एन तो कॉमन ही हो गया, नॉर्मल सेम है आपका, कॉस एल्फा टू इंटू टी टू इंटू पाई। तो यहां से आपको डी टू ओवर डी वन की वैल्यू निकाल लेनी है। तो डी टू ओवर डी वन की वैल्यू निकालूंगा, तो इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। तो इक्वेशन ए में बी का डिवाइड दे दीजिए, तो इक्वेशन ए में जब मैं बी का डिवाइड दूंगा तो देखिए क्या चीज आएगी आपकी, गाइस दिखाई दे रहा है, थोड़ा सही कर लेते हैं, सॉरी। तो देखिए इक्वेशन मैंने ए में बी का डिवाइड दिया तो क्या आएगा आपका, डी टू ओवर डी वन तो आएगा ही। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या चीजें बचेंगी। सबसे पहले आपको देखिए पी एन गायब हो जाएगा, पाई गायब हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका टी टू, और क्या बचेगा आपका टी टू के साथ कॉस एल्फा वन ऊपर चला जाएगा। तो देखिए मैं लिख लेता हूं पहले पूरा, पी एन इंटू टी टू ओवर कॉस एल्फा टू इंटू पाई। अब उसके भी नीचे देखिए यहाँ पे ये वाली चीज आएगी पी एन इंटू टी वन, और ये ऊपर चली जाएगी कॉस एल्फा वन इंटू पाई। तो देख लीजिए पाई टू पाई कैंसिल आउट, पी एन टू पी एन कैंसिल आउट, ऐसे क्या निकला, डी टू ओवर डी वन इज इक्वल टी टू कॉस एल्फा वन ओवर टी वन कॉस एल्फा टू। यहां से आपके सामने ये चीज निकल के आ गई है और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। फिर आपको एक और चीज पता है कि वी नो दैट स्पीड रेशियो, वी नो दैट द स्पीड रेशियो इज इक्वल एन टू ओवर एन वन इज इक्वल एन टू ओवर एन वन इज इक्वल डी वन ओवर डी टू भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं आपको बताओ क्या होगा, टी वन ओवर टी टू भी कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे ये वाली चीज को ले लेता हूं, जैसे कह लिया मैंने कि एन टू ओवर एन वन इज इक्वल टी वन ओवर टी टू, इस इक्वेशन को आप सी मानिए, इस इक्वेशन को आप डी मानिए, ये आपको पता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे जब मैंने सी और डी की वैल्यू मानी तो मुझे क्या करना है, सी और डी वाली इक्वेशन का मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है यहाँ पे, सी और वाली डी का इक्वेशन का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मेरे पास ये चीज निकल के आएगी डी टू एन टू ओवर डी वन एन वन। तो देखिए मैंने इसका मल्टीप्लाई किया यहाँ पे दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या निकला आपका डी टू एन टू ओवर डी वन एन वन, और देखिए टी टू यहाँ लिख देता हूँ पहले मैं, टी टू ओवर टी वन तो पहले से ही है, इधर क्या आएगा आपका टी वन इंटू टी टू होगा, और आगे क्या है कॉस एल्फा वन कॉस एल्फा टू, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपकी यहाँ से क्या वैल्यू निकली, यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आ रही है डी टू एन टू ओवर डी वन एन वन इज इक्वल कॉस एल्फा वन कॉस एल्फा टू, यहाँ पे आपकी ये इतनी वैल्यू निकल के आई, कॉस एल्फा वन कॉस एल्फा टू की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। ये वाली वैल्यू मैं आपको पुट करूंगा कहाँ पे, जहाँ पे आपकी जो इक्वेशन निकली थी ये वाली एफिशिएंसी वाली, यहाँ पे मैं इसको मेन इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर थ्री मान लीजिए। तो मैं एक बार पेज ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन ली, आपकी एफिशिएंसी क्या थी मैं लिख लेता हूँ दोबारा, एफिशिएंसी इज इक्वल कॉस एल्फा टू प्लस के फाइव ओवर कॉस एल्फा वन माइनस के फाइव इंटू, अब देखिए डी टू ओवर डी वन की वैल्यू लिख रहा हूँ, कॉस एल्फा वन कॉस एल्फा टू, यहां से मेरी ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया। अब यहाँ पे क्या करना है आपको गाइस, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला निकल के आया है वो निकल के आया है आपका कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला निकल के आया है, तो आपको कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, अच्छी तरीके से देख लीजिए, कॉस ए कॉस बी
इज इक्वल 1/2 कॉस ए प्लस बी माइनस सॉरी प्लस कॉस ए माइनस के बी। जब कॉस बी इंटू ए होता है तो माइनस आ जाता है। तो इन वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा आपके सामने। तो देखिए पहले दोनों में ऐड होगा तो क्या आएगा, देखिए देखो 1/2 1/2 दोनों के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं लिख रहा नहीं हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कॉस पहला वाला कितना, देखिए मैं एल्फा 2+1 होगा तो मैं इसको लिख लेता हूँ एल्फा 1+ के एल्फा 2+ के 5, इसके बाद प्लस के कॉस। अब देखिए माइनस वाली चीज आएगी, अगर मैं इसमें से इसको कैंसिल आउट करूंगा तो पहले मैंने इस वाली चीज को आगे लिख लिया, तो क्या आएगा यहाँ पे एल्फा 1 माइनस के एल्फा 2 माइनस के 5। ठीक है, इसके बाद आपके पास दूसरी चीज नीचे वाली बचती है, तो नीचे वाली चीज में आपको क्या लिखना है, देखिए कॉस, देखिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो एल्फा 1 प्लस के एल्फा 2 माइनस के 5 हो गया, इसके बाद प्लस के अब सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सेकंड वाले में से पहले वाले को कर लेता हूं, तो आएगा एल्फा 2 माइनस के एल्फा 1 प्लस के 5। आपके पास ये चीज निकल गया है इस वाले फॉर्मूले को पुट करके। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन के लिए यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पर उससे पहले मैंने आपको एक चीज याद दिला दूं कि मैंने यहाँ पे एक चीज मानी थी आपके सामने, कि मैं मानूंगा कि एल्फा 1 प्लस के एल्फा 2 को क्या मानूंगा मैं, थीटा मानूंगा। यहाँ पे एल्फा 1 प्लस के एल्फा 2 को क्या मानूंगा, थीटा। तो यहाँ पे मैं एल्फा 1 प्लस एल्फा 2 की जगह मैं थीटा रखूंगा यहाँ पे, तो मैं रख लेता हूँ। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है आपका, कॉस θ+k5, पहली चीज आ गई आपके पास cos θ+k5+k cos, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा एल्फा 1 माइनस के एल्फा 2 माइनस के 5 ओवर cos θ-k5+k cos α2-k α1+k5। यहाँ से आपके पास ये एफिशिएंसी की वैल्यू निकली है। अब मेरे को यहाँ से क्या मैक्सिमम एफिशिएंसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन को मैक्सिमम बनाना पड़ेगा। तो देखिए मैक्सिमम की कंडीशन कब कब हो सकती है, कि अगर मैं इस वाली वैल्यू को क्या करूं, कि अगर जो मेरे पास इस वाली वैल्यू है इसको मैं क्या कर दूं, जीरो कर दूं। जैसे आपके सामने दिखाई दे रहा है कि अगर मैं इस वाली वैल्यू है जो मेरी नीचे वाली वैल्यू है, इस वाली की वैल्यू को अगर मैं जीरो कर दूंगा तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, सिंपल है। और इसके बाद आपको एक और चीज दिखाई दे रही होगी, कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एल्फा 1 माइनस के एल्फा 2 प्लस 5 है, उसकी वैल्यू कब जाके मैक्सिमम होगी, कि जब मैं बोलूँ कि इसकी वैल्यू को जब मैं बंद करूंगा जब ये वाली वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। तो आपको पता है कि ये वाली वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, कि जब आपकी कॉस 0 की वैल्यू आपकी क्या होती है, 1 होती है। तो मैं इस वाले एंगल को आपका 0 के इक्वेट कर दूं, और इस वाले एंगल को भी मैं क्या कर दूं, 0 के इक्वेट कर दूं। तो लिख लेते हैं फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, तो क्या करना पड़ेगा, एल्फा 1 माइनस के एल्फा 2 माइनस के 5 इज इक्वल 0, क्योंकि 0 एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, देखिए अगर मैं इन दोनों को उधर लेकर जाता हूँ तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से एल्फा 2 की वैल्यू क्या निकलेगी, एल्फा 2 इज इक्वल एल्फा 1 माइनस के 5। देख लीजिए इसको उधर ले गया, ये एक ही रह गया। इसके बाद आपको पता है कि यहाँ से ये चीज निकली है, और इसकी जगह पे भी मैं निकाल के देखूंगा, देखिए क्या आएगा, एल्फा 2 उधर की तरफ जाएगा तो 5 माइनस के एल्फा 1 होगा। पर इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि cos-θ की वैल्यू आपकी सेम होती है। तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू निकल के आएगी, और मैक्सिमम जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी आपकी cos θ+k5+k1 और cos θ-k5+k1। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी गाइज। अगर आपको डेरिवेशन गाइज अच्छा लगा है, समझ में आया है, बाकी में अच्छा लगा है डेरिवेशन, तो प्लीज़ गाइज टेक्निकल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ 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 चैनल को लाइक कीजिएगा अच्छी तरीके से। और गाइज अगर कोई आपको डाउट आता है तो प्लीज़ प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा मुझे, ये आपका जो फॉर्मूला निकल के आया है वो आपका किसके लिए निकल के आया है, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ स्पाइरल गियर। देखिए गाइज डेरिवेशन बहुत बड़ा है, और इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो है आपकी ये डायग्राम। अगर आपको ये डायग्राम नहीं बनाना आता है तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, और आपको समझना पड़ेगा नॉर्मल कंपोनेंट कहाँ से है। वैसे बाकी भी मैंने सारी स्टेप लिख दी है एक एक करके, अगर आपको नहीं आया तो आप प्लीज़ फॉरवर्ड बैकवर्ड करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।